जीत गया तो हायरलैंड बाबा भाई मन्ना पहली शॉप देखी जो बाहर लग रही सचिन इस तरह की है। ये क्या सिस्टम है और ने तुलगा नहीं रखी इसने किस तरह इजाजत मिल गई है हमको नहीं पता यानी कि परमिशन लेनी पड़ा गवर्नमेंट को ना। अच्छा तो क्या क्या सामान है भाई इस पर लग रही है अपना आयरिस की है सारी चीजें जो अपना फ्रिज फ्रूज पर लगाने के काम आवा So how much for like one day? One day is 32 per adult, but you can hop on, hop off. It means you can get in and get off. Is to get oriented, and then you think, don't really need to see that. Really like that, and also it's really like that, and also it's kind of like having a free cabbie because you jump on and jump off and can do things. निकल हो भाई साहब जिस स्ट्रीट पे अब मैं आपको लेकर आया ना ये बड़ी खूबसूरत मस्त स्ट्रीट है भाई ये देखिए भाई मस्त है ये तो ना टेंपल बार है मस्त जिया का नाम अच्छा टेंपल बार तो ये जगह मशहूर है बड़ा बार बोर लग रहा है भाई यहाँ पर ओपनली अपना ड्रिंक ड्रूम कर रहे बंदे बैठे हुए सचिन यहाँ पर बस इतनी चल रही तो टैक्सियों का काम कम नहीं होगा कुछ ऐसा टूरिस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ से ना टैक्सी काम बढ़िया क्योंकि अच्छा। रात के टाइम तक चला रात में क्या की ड्रिंक बहुत करा आयरिश लोग ना अच्छा। ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करते तो उस टाइम में बसें बुसे अपना बंद हो जाती होंगे ना 10-11 बजे के करीब लास्ट बसेस हो जाए ट्रेन लोअर्स आ रही ना ये भी अपने 11-12 बजे के करीब रात के 11 बजे बंद हो जाएगी और फिर टैक्सियों का काम ही ज्यादा रहा है ना इसकी टिकट टूकट नॉर्मल होती होगी जैसे बसेज और इनकी है ना ज्यादा प्राइस नहीं आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है 1-1.5 यूरो में सारे सिटी में घूम सकते हो बस तो हम घूम ही रहे हैं सिटियों में यानी तो भाई साहब जो काम करने वाला बंदा हो ना उसे ना पता नहीं होता चीजों का ये बड़ी अच्छी बात कही है वो नू सोचा कि मैं ना अपने काम से मतलब है सिर्फ ये बन रहे टूरिस्ट गाइडर यहाँ सी ये भाई साहब ये क्या सिस्टम है भाई ये देखिए सचिन सड़क देखा सी है ना वैसी नहीं है सीमेंटेड पक्की मतलब इस तरह की टाइलें ही लग रही भाई अपना और मस्त लग रही है भाई यूरोप की मोस्टली सिटीज में कहीं पे भी जाओगे ना ऐसी सड़कें आपको देखने मिलेगी इसका मतलब है कि आप टूरिस्ट स्पॉट पे पहुंच गए हो जहाँ पे भी आप जा रहे हो यूरोप की मोस्टली सिटीज में ना ये ऐसी बहुत पुरानी पुरानी है बड़ी है ना अच्छा निशानी होगी बहुत नहीं एक साल पहले तो आया है बन रहे पुराने पुराने हाँ चलो कोई बात नहीं तेरी भी फाइल पास करता ये क्या भाई चल रहा है ये अंदर बाहर है भाई और इसमें सिस्टम पूरा चल रहा है बाहर तो यहाँ पर ना चप्पे चप्पे पे भाई हर जगह पे ना हर अंदर बैठे गोरियों का भी सिस्टम देख लो स्मोक स्मोक कर का बाहर ही रखा स्मोक है यहाँ पर तो बहुत मतलब लेडीज का भी ओपन है सब कुछ अपने इंडिया का बढ़िया सिस्टम है भाई साहब इस मामले में लेडीज का तो स्मोक वहाँ पर बिल्कुल ही है पर यहाँ पर तो नॉर्मल सी बात है भाई बट बंदे बाहरी स्मोक करा भाई स्मोक बाहरी करके फिर अंदर जावा फ्रॉम पाकिस्तान या इस्लामाबाद से ना मेरा सब्सक्राइबर भाई साहब देख क्या पाकिस्तान में भी है टूरिस्ट ज्यादा है ना और उन्हीं टूरिस्ट में से भाई साहब मस्ट एक बिग पर्सनैलिटी भी आज यहाँ पर अपना डबलिन मस्ट जो टूरिस्ट ने मस्ट बोले ना मांगे टूरिस्ट आएगा सपोर्ट कर रहा है वहाँ सपोर्ट कर रहे पीछे से अच्छा आयरलैंड का फ्लैग भी ऐसे लगा जैसे अपने इंडिया के हो ना सेम कलर है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कलर इसका फ्लैग है वाह भाई ब्यूटीफुल यार जहाँ पर हम इस जगह पर आए इस टाइम ये कैसे फ्लावर है ओरिजिनल है ये ओरिजिनल है मैं ना अच्छा पानी भी देते रहो सुबह कितना मेंटेन भी करना आएंगे हाँ साथ में मैकडॉनल्ड आ गया यहाँ से चिप्स वगैरह ले ला भूख तो लगी रही होगी इतनी खुशी है मुझे लो भाई काफी देर घूमने के बाद अब लगी भूख हर अब चलते हैं भाई अपना मैकडी पे देखा यहाँ पर एक बड़ी ऐसी चीज खाएंगे भाई निकल
ये लगन लग रही भाई टलना स्ट्रीट पर, ऐसा कुछ नज़ारा है भाई इस टाइम। और आगे भाई मेन स्ट्रीट, ये सामने नज़ारा मस्त है एकदम भाई। भाई ये तो था बार का सिस्टम जिसमें लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी, बढ़िया मजा आई अंदर पूरा। कैसा लगा भाई? साथ में दारू भी पी रहे थे मस्त जुगाड़ कर रहे ना। नहीं हां भाई वो अपना लिटिल बिटल वो तो चल ही है भाई, अभी तो अपना एंजॉय कर रहे हैं आके बंदे भाई, अंदर बैठे बिल्कुल मस्त एकदम सेव कर रहे थे भाई। अब क्या सीन है भाई, कहां पर चलने का प्लान है? अब नॉर्थ में चला जहां पे अपने बस थी, साथ में एक और पब में अपना लेके चलेंगे और लिटिल लिटिल। अरे कहना क्या चाहते हो? और लिटिल लिटिल हां फिर चलेंगे भाई, फिर बैठेंगे बस में अपना ना। चश्मे चुस्मे लगा रखे पूरे साइकिल पर है, ऐसी स्ट्रीट पर घूमने का मजा अलग है ना। बिल्कुल पीसफुल यार, मजा भाई रियली मजा यार भाई। आयरलैंड में वैसे आप आ जाओ ना भाई तो इस स्ट्रीट में वैसे तो आप आओगी जब यहाँ पर आएगी तो भाई मस्त एकदम। अब ये रिवर है ना, फ्री ना मेन रिवर है। अच्छा सेंट्रल कोई भी यूरोप की कंट्री कैपिटल है ना वहाँ अपने ना रिवर जरूर देखना मिलेगी, तो ये एलिफी रिवर। और वो यूरोप के बीच बीच में नहीं जाओ, जितनी भी मेन सिटीज हो है ना उनके बीच में ना। लो भाई ये है वो अपना मेन रिवर जो सेंटर में से जा रही भाई अपना डबलिन के, मस्त व्यू भाई एकदम। और बिल्कुल साफ पानी है भाई, जैसे भाई अपने इंडिया में चाय हर जगह मिल जाना, हर जगह पर ठिल्लो जाएगा, उसी तरह थे आयरलैंड में, उसी तरह थे आयरलैंड में ना अपना पब हर एक जगह मिलेगा। ये तो यहाँ की पहचान है भाई, मोस्टली यूरोपियन कंट्री का यही रूल है, दारू जब तक अंदर नहीं जंदी है। मतलब यार फिर भी हमारे इंडिया वाले बहुत बढ़िया है भाई, शाम का तो वेट कर रहा है, यहाँ तो शाम दिन ते ही मोस्टली टूरिस्ट आ रहे हैं ना उनको तो एंजॉय इसी तरीके से होएगा। हाँ साथ में दारू जाएगी, साथ में भाई मैं अपना वॉकिंग वगैरह कर, और मैं जो सा टूरिस्ट आ रहा है मैं भी तो घूम रहा हूँ। यह खूबसूरती है भाई यहाँ की है, देख ले बंदे ने जबरदस्त। और भाई एक चीज बताना चाहूँ भाई, अपना आप ही देखा उस बंदे ना कि ये बंदे खड़े, मैं भाई हल्की फोटो ले रहा था, उसने कहा कि तीनों खड़े हो और मैं फोटो लूंगा, क्लासिक लिया। और नीचे गुड्डा टेका जैसा तो नहीं पा रहा था भाई साहब, गुड्डा टेका फोटो बढ़िया भाई, थैंक यू मैन थैंक यू निकल। और अब हमारा सीन है भाई कहाँ पर जाने का सचिन, पास में एक रूलेट है तो हाँ। चल अपने अपने हरियाणा में मैंने देखा नहीं है, मैं देखा लेकिन बम्बई साइड गोवा साइड तो है रूलेट हाँ। पैसे लगाएंगे लेकिन हल्के फुल तो यहाँ पर एक डेमो वास्ते ना। अच्छा अच्छा तो यहाँ पर लीगल आएगा चीज, लीगल है हाँ, सब कुछ लीगल है, गोवा में भी आते हैं ना इंडिया में ना लीगल, बट चलो कोई नहीं आज एक्सपीरियंस कर, चलो देखते हैं भाई अंदर जाकर। वैसे तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है बट हल्का फुल्का सा सीन तो करने की पूरी कोशिश रहेगी भाई करने की। मुझको शरीफों से रूलेट का सीन हो भाई, लेट्स सी भाई देख आज कितने पैसे जीत पाऊंगा। अभी बजा आएगा ना भिड़ू, जीत गया इतनी खुशियां। अच्छा रंगमैन ए फ्यू मोमेंट्स लेटर निकल, हाईली नॉट रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड नहीं है भाई ना बिल्कुल। अच्छा 10 लगाए थे 25 बन गए थे, 25 यूरो बन गए थे, फिर बंदे के अंदर ऐसा लालच आ जाए भाई और खेल और खेल, तो ये चीज बाहर रहेगा ना बिल्कुल भी, इस चीज ना होना करो भाई बिल्कुल भी। हवा निकल गई जाना चाहिए, ये तो सिर्फ एक जस्ट फन था, मैं कहा चलो जाकर देखा भाई साहब मास्टर जी किस्मत कैसी है, किस्मत सही है। बट अब कहाँ पे चल रहे हुए निकले अपने सीधा बस में और निकलिए सीधा घर की तरफ ना, साथ में कुछ और अमेरिका के थे आपका सीधा लाइव टूर कराओ। अच्छा एक अमेरिका का भी लाइव टूर रह रहा है भाई वहाँ पर, जो उसमें क्या है कि भाई जो अमेरिका में वहाँ पर है ना सेम, और सेम हम डबलिन में खड़े हुए हैं ना, सेम लाइव बात होगी भाई। अरे वो सीधे अमेरिका है इस टाइम है ना, और यहाँ से भाई वो बंदे हमें डायरेक्ट देख रहे होंगे डबलिन से सीधा। ये क्या है? लो भाई अपना टनल में तो निकल के अपना बाहर बस में बैठ गया, सीट बेल्ट लगाया बैठा बिल्कुल है, वो तो गाड़ी में लगाई कभी सीट बेल्ट
गाड़ी में वैसे मैं लगाऊँ कभी कभी तो लगाऊँगा ही पर मोस्टली कम लगाऊँ, पर मुझे रही थी भाई नहीं इस करके मैं कभी ब्रेक लगा गन अड्डा पड़ा क्योंकि आप गन एकदम से सिस्टम ऐसी है जान प्यारी है मास्टर ना भंडारे बंडूरे मिशन हो जा तो भंडारा दल कोई चमका मेरे टाउन में ना कुछ नहीं चला भैया मतलब टेंट भी देखो ना यहां पर मतलब मुझे 15 दिन हो गए भाई मेरी रियलिटी अभी जब मैं आयरलैंड में आया था ना 17 साल पहले ना तो मैं देखता फिर था भाई गोरे गारे की कैसे की शादी आ गई ना वहाँ चलेंगे भैया पढ़ना ना उस टाइम हमारी थिंकिंग भाई ना शादी वाली हो गई थी मास्टर बनी लेकिन कोई दिखा नहीं था भाई ना तरस जो थे देखने ना लो भाई इस टाइम ना बस भी ना 80 की स्पीड के करीब जा रही ना तो नियरली 5 मिनट और लगेंगे हमने अपने घर तक पहुँचने में ना फिर घर जाकर सोइए आराम से ना वैसे सीट बेल्ट का फायदा तो है नहीं मैं बढ़िया कंपैक होगा बैठा वैसे और धूप निकल गई भैया बढ़िया लो भाई ये था एक टाउन का छोटा सा विजिट भाई आपको दिखा कर लेकर आए आपको कैसा लगे भाई टाउन वो जरूर से जरूर आपने कमेंट करके पाना भाई और भी बढ़िया बढ़िया सी अपना सिटियों में घुमा कर लेकर आएंगे भाई आयरलैंड की।